मैंने हमेशा खुद में अपनी एबिलिटी देखी है, डिसेबिलिटी नहीं देखी है। सर आपका नाम? मेरा नाम बिलाल अहमद शाह है जी, और ये वसन इलाका है जहाँ पर अभी आपको, तो मैं कर रहा हूँ इसके साथ फॉर्म के साथ 3 साल से, ये 4th साल चल रहा है मेरा। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है जी, अभी मुझे अप्लाई करना है इसके लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसके लिए मुझे एंट्रेंस देना पड़ेगा जी। तो आगे मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और इसके साथ भी करना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पर जो लैंड थी इसमें पानी जो था वो मुझे 12 महीने आता था, तो मुझे आइडिया आ गया और फिर मैंने फिशरीज़ वालों से भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली, उन लोगों ने मुझे बहुत इसमें सपोर्ट किया, तो फिर उन लोगों ने मुझे ये इसका पूरा ये जो ट्रेनिंग व्रेनिंग होता है वो मुझे कराया और फिर मैंने स्टार्ट किया इसी यही बिजनेस। तो अभी आपको कुछ पता है कि कितनी मछलियां आपके इस फॉर्म में होंगी कुछ? जी अभी अभी मुझे मेरे पास अवेलेबल है 7000 के करीब, 7000 मछलियां। तो ये एक ही नस्ल की मछलियां या अलग अलग नस्ल? नहीं एक ही नस्ल, ये रेनबो ट्राउट है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमें रेनबो ट्राउट जो है इसका डिमांड बहुत है तो हम यही रखते हैं इस टाइम। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपकी ये कंप्लीट हो गई ग्रेजुएशन, तो आपने जॉब के बारे में नहीं सोचा? नहीं, जॉब कहाँ मिलती है, अभी तो ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हो गई है, तो आपको तो पता ही है एमएड बीएड एमफिल करके बैठे हैं लोग घर में, तो ज़रूरी नहीं है कि जॉब के लिए हम पढ़े, पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि मुझे बिज़नेस करना है, मुझे क्या करना है आगे। तो जिन लोगों ने पढ़ा है सबको तो जॉब नहीं मिलती है, तो क्यों ना मैंने सोचा बेहतर है कि मैं अपना ही कुछ स्टार्ट करूँ। तो मुझे अभी इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से मुझे ये अच्छे तरीके से चल रहा है फॉर्म। तो आप मुझे ये बताएं कि मुश्किलात तो नहीं होती, क्योंकि थोड़ा सा जैसे कि आप थोड़ा चलने में परेशानी आपको होती है, तो उस हवाले से कुछ परेशानी का सामना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हमेशा खुद में अपनी एबिलिटी देखी है, डिसेबिलिटी नहीं देखी है, और मुझे लग रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, तो इसी रीज़न से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि और कुछ काम तो मजदूरी तो मैं कर नहीं सकता हूँ, तो मुझे सबसे बेहतर और अच्छा बिज़नेस यही लगा, तो इसलिए मैंने यही स्टार्ट किया और मुनासिब भी मुझे यही लगा, तो अभी माशाल्लाह मुझे अच्छा इसमें बेनिफिट आता है, इनकम अच्छी बन रही है मुझे इसमें, तो मैं इसी में से अभी इसी में खुश हूँ, और मैं रोज़गार भी दे सकता हूँ, लेबर भी रख सकता हूँ यहाँ पर, सबसे बड़ी बात यही है। मेरी वजह से किसी को काम का दिन मिलता है या मुलाजिम भी रख सकता हूँ मैं यहाँ पर। यह बहुत बड़ी बात कही वाकई आपने कि आपकी वजह से और लोगों को जो है रोज़गार मिल रहा है। और मैं जानना चाहूँगी वो तमाम लोग जो भी डिग्री करके बैठे हैं और जिन्हें समझ नहीं आता कि वो अपनी लाइफ में आगे क्या करें, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये सोच के बिल्कुल ना पढ़े कि हमें आगे नौकरी मिलेगी, पढ़ना है उनको, पढ़े एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन उनको ये माइंड में होना चाहिए कि एजुकेशन हमें खाली नौकरी के लिए नहीं, बल्कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, हम अपना कंपनी खोल सके कल, ज़रूरी नहीं है यही एक ही, कुछ और भी कर सकते हैं अगर उनके पास एजुकेशन होगा। लेकिन मुझे अभी तक जो भी सारे बिजनेसों में मुझे सबसे बेनिफिट वाला बिज़नेस यही लगा, तो उनको मेरा यही मैसेज है कि इस खाली नौकरी पे डिपेंड ना रहो, कभी मिल सकती है नहीं भी मिल सकती है, तो अपना बिजनेस स्टार्ट करें ताकि वो 10 को चलाए, अपने गांव में कोई बेरोज़गार है उनको रोज़गार मिल जाएगा उनकी वजह से, तो कोशिश करें कि अपना कोई बिज़नेस सेटअप स्टार्ट करें। जीन ये हमसे बात कर रहे थे बिलाल अहमद, और इनकी दो बातें कि इन्होंने कभी अपने अंदर डिसेबिलिटी नहीं देखी बल्कि एबिलिटी देखी है, और उसी का नतीजा है कि आज ये फ़िश फॉर्म जो है वो चला रहे हैं और यहाँ पे 7000 के करीब मछलियाँ जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और दूसरी सबसे अहम बात कि खुद तो ये काम कर ही रहे हैं और न जाने कितने लोगों को ये रोज़गार फराहम कर रहे हैं। यकीनन आज की हमारी ये रिपोर्ट आपके लिए इंस्पिरेशन साबित हुई होगी। और कैमरा पर्सन मीर कैसर के साथ मैं सब अंसारी, जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए।